जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, शुभारंभ के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहाँ अभी तक उनको लॉकडाउन के समय में उसके एक भी नए एपिसोड्स नहीं भी देखने को मिले थे शुभारंभ के, तो अब उन सभी को 13 जुलाई से नए एपिसोड्स देखने को मिलेंगे कलर्स टीवी पे। आप सभी को बता दें, नए एपिसोड्स को लेकर एक नया प्रोमो सामने आया है, जहाँ हमने लॉकडाउन से पहले शो की कहानी देखी थी, किस प्रकार से गुणवंत का पर्दाफाश किया था हमारी रानी ने राजा के सामने। साथ ही साथ कीर्तिदा का ही पर्दाफाश हो गया था और राजा को इस बात को पता लग गया था कि किस प्रकार से कीर्तिदा और गुणवंत उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब हो पाया था हमारी रानी की बदौलत, जहां राजा ने रानी का शुक्रिया अदा भी किया था। अब बात करें नए एपिसोड्स की, नई कहानी की, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि राजा रानी अब अपनी दुकान चलाएंगे, वो भी धूमधाम से। जहाँ पे नए प्रोमो में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि सारे पिछले जितने भी अभी तक मन मुटाव हुए थे राजा रानी के बीच में, उन सभी को भुलाकर अब एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। अपनी दुकान ओपन करते हुए दिखाई दिए हैं। दुकान खोलते ही साथ ही उन्होंने ये बता दिया अपने फैंस को कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं नए एपिसोड्स से, जहाँ 13 जुलाई से आप सभी को नए एपिसोड्स देखने को मिलेंगे कलश टीवी पे। देखना बेहद दिलचस्प होगा, इनकी इन खुशियों को नज़र या तो किसी को लग जाएगी, यानी कि राजा रानी की जीवन में क्या नई उथल पथल होती है, ये तो आने वाला एपिसोड्स ही बताएगा। क्योंकि इतनी आसानी से शो की स्टोरी लाइन चल नहीं सकती और राजा रानी इतनी खुशी तरीके से जीवन बिता नहीं सकते। ज़रूर इनकी खुशियों पर किसी की नज़र लगने वाली है। क्या एक बार फिर से कीर्तिदार गुणवंत अपनी चाल चलेंगे और रानी को अलग कर देंगे उसके राजा से? आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ पे ऐसी और सीरियल्स और लाइफ से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।